Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So I'm back with another video and ये वाला video होने वाला है मीशो विंटर हॉल वीडियो. जैसे मैंने मीशो के बहुत अच्छे स्टफ इस बार परचेज किए हैं, बहुत यूनिक से किए हैं, तो वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये कुछ इस तरह के आपको दिख जाएंगे. चार पीस ही मैंने परचेज किया, लाइक फोर आइटम ही मैंने परचेज किए हैं. ठीक है, इसके बारे में मुझे मत पूछना प्लीज, इसके लिए वेट कर लेना क्योंकि मेरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है और आपको, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा ये ड्रेस कहाँ से है. सो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो मैंने आइटम परचेज किया है, इसकी आपको पिक्चर भी दिख जाएगी और प्लस आपको इसका ट्राई ऑन भी दिख जाएगा साइड में. तो देखते रहना और अपने अकॉर्डिंग इसको मंगवा लेना अगर आपको परचेज करना है तो. ठीक है, सो बात करते हैं इसकी. तो ये है एक स्वेट शर्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्वेटर, आप कुछ भी बोल सकते हो. इसको स्वेट शर्ट बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा वार्म आया है और इसकी क्वालिटी बहुत ऑसम आई है. लाइक मैं इसे 10 out of 10 दूंगी और बहुत अल्टीमेट ये पीस लग रहा है. ठीक है, ये ज्यादा रिवीलिंग नहीं है, बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं है. इवन इसका जो नेक है ना, वो इतना बिल्कुल टर्टल नेक है और इसमें जो आपको दिखने वाले ना, थोड़े से बलून, थोड़े से गोलू मोलू से दिखने वाले हो, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना, वो बहुत ज्यादा वार्म है. और इसका जो शेड है, मैं बता देती हूँ, ये प्रॉपर व्हाइट नहीं है, ये आपको ऑफ व्हाइट मिल जाएगा. एंड इसमें ना बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे आई गेस, जितना मुझे याद है शायद, बट मैंने व्हाइट पिक किया था या फिर नहीं था, मैं एग्जैक्टली बता दूंगी आपको. जो भी होगा पिक्चर आपको दिख जाएगी अगर इसके साथ होगा तो. बट ये इसका लुक इतना ज्यादा प्यारा और इतना क्यूट आ रहा है, बहुत क्यूट सा वाइब दे रहा है ये, इतना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है. एंड द फैब्रिक की क्वालिटी बहुत बहुत अल्टीमेट फैब्रिक की क्वालिटी है. प्लस आपको इसमें जो मिल जाएगा, आपको टर्टल नेक मिल जाएगा यहाँ से. ठीक है, ज्यादा राउंड नेक में ही मिलेगा, पूरा टर्टल नेक नहीं मिलेगा प्रॉपर. और इसकी जो स्लीव्स है, इसमें भी आपको यहाँ पर एंड्स में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से ये ना ऐसे बंद सा हो जाएगा, पूरा ना क्लोज हो जाएगी पूरी जो स्लीव है, जिससे कि ना इसमें से एयर पास नहीं हो बिल्कुल भी. और ये बहुत ज्यादा क्यूटी सा लगने वाला है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग में भी आ जाएगा और थोड़ा सा ना फ्लपी फ्लपी सा आने वाला है. और इसका जो फैब्रिक जो बताया हुआ है, वो फर फैब्रिक बताया हुआ है, बहुत बहुत अल्टीमेट मैं बोल रही हूँ. इसको एक बार ट्राई करके देखना, आपको जरूर पसंद आने वाला है. और इसमें मेरा साइज एक्चुअली क्या था कि मुझे याद नहीं है साइज क्या था इसमें, बट मेरा शायद इसमें साइज मीडियम या फिर स्मॉल में से कुछ था, बट मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है. बट आप अपने अकॉर्डिंग से परचेस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा. मैंने शायद से मीडियम में मंगाया था, तभी ये थोड़ा सा मुझे ऐसा गोलू गोलू सा आ रहा है, थोड़ा सा मोटा सा लग रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा ना इसमें गोलू गोलू सी लग रही हूँ. और इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मुझे पूछा था, तो मैंने इसलिए अब इस वाले वीडियो में बता रही हूँ. ये मीशो से ही है और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, मैं बोल रही हूँ. अगर आपने इसको परचेस किया या फिर आपने इसको अभी ऑर्डर किया और ये आपके पास आया, तो आप को ये पसंद आने वाला है, डेफिनेटली पसंद आने वाला है. तो इसको एक ट्राई जरूर देना, बहुत सुंदर ये पीस है. सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज है, वो एक हुडी है. ठीक है, और इसकी क्वालिटी मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी आपको परचेज करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना इसका फैब्रिक कुछ ज्यादा खास पसंद आया नहीं. बट इसमें बहुत सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे साइजेस मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग से परचेज करके देखना. तो ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट शेड में था. ठीक है, और ये कोरियन बताया हुआ था, इसमें जो गर्ल थी वो कोरियन थी, तो शायद ये कोरियन वाला ही था. बट इसकी फैब्रिक क्वालिटी इतनी कुछ ज्यादा खास है नहीं, बहुत लो सी लग रही है मुझे इसकी फैब्रिक की क्वालिटी. बट ये पूरा ना प्रॉपर ऐसे लॉन्ग में आ रहा है, एक ड्रेस टाइप में ये मुझे रिसीव हुआ है, तो अच्छा लग रहा था मुझे, ओवरऑल बहुत ज्यादा पसंद आया. और यहाँ से भी अगेन इसकी जो स्लीव्स है वो यहाँ से क्लोज हो जाती है, तो ये चीज अच्छी है. और इसके अंदर अगर कोई भी फुल हाई नेक पहनोगे नॉर्मल टी शर्ट वाला, तो हाँ थोड़ी बहुत इसमें आपको सर्दी रुक. श्योर नहीं हूँ कि ये उस मतलब प्रॉपर वही काम करेगा या नहीं, क्योंकि जो इसका फैब्रिक मटेरियल है ना, वो काफी ज्यादा एक तो सी थ्रू सा लग रहा है मुझे, प्लस इसमें बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत मतलब विंटर के पर्पज से अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. बट हाँ, इसका जो डिजाइन है, इसका जो पैटर्न है, वो बिल्कुल डिफरेंट सा है, अच्छा सा लुक आ रहा है. और इसमें आपको यहाँ पर ना कोई भी जिप वगैरह नहीं मिलती है, कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है, बिल्कुल नॉर्मल सा है ये. और फ्रंट से यहाँ से देखोगे तो सेम वैसा ही है, एंड बैक से भी बिल्कुल नॉर्मल वही है. एक आपको हुडी मिल जाएगी इसमें. तो इसका लुक मुझे कुछ ज्यादा इतना खास पसंद आया नहीं, क्योंकि ना जिस तरह से पिक्चर दिखाई हुई थी फैब्रिक की क्वालिटी, जैसे ये वाला आया ना, तो इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस लाइक इतनी हो गई थी कि यार हाँ, ये वाला फैब्रिक अगर इतना अच्छा है तो ये वाला भी अच्छा आएगा. और जबकि ये वाला इतना कॉस्टली नहीं था जितना ये वाला है,
तो इसके लिए मैं इतना ज्यादा मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूंगी आपको ये परचेज करने के लिए। अगर आप कुछ स्टाइल में देख रहे हो, कुछ आपको चाहिए कि यार कुछ अच्छा मैं पहनूं और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ जाए, तो ये वाला परचेज कर लेना, ऐसा कोई वो नहीं है। बट ये विंटर के पर्पज से मैं आपको मना ही करूंगी कि आप इसको मत परचेज करना। तो इसमें मेरा साइज अगेन स्मॉल था और क्वालिटी मुझे इतनी कुछ खास ज्यादा इसकी लगी नहीं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता पाऊंगी नहीं। सो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया ना, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं दिखाया होगा जितना मुझे पता है, ठीक है। अभी तक किसी ने इसकी ना तो पिक्चर ना इसका कोई एक रिव्यू भी शेयर किया होगा, बट मैं बोल रही हूँ ये इतना अल्टीमेट आया ना, इतना अल्टीमेट। एक तो पिक्चर देख लो, ठीक है, पिक्चर देखने के बाद में इसकी क्वालिटी A1 क्वालिटी है, 600 एंड समथिंग में कुछ ही आया है। मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा प्यारा है। सो बात करते हैं इसकी। तो ये ना एक तरह से क्या है ना, आप इसको बाहर भी वेयर कर सकते हो, जो इसका ये ऊपर का अपर आया ना, इसको आप बाहर भी वेयर कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा क्यूट आया है, ये प्रॉपर ना व्हाइट में आया है। लाइक ये वाला तो है, ये जो ऑफ व्हाइट है, और ये वाला प्रॉपर व्हाइट में आया है। और इसमें यहाँ पर ना अच्छे से एक कुछ बनाया हुआ है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगा, बहुत फरी सा इसका फैब्रिक है, अंदर से भी बहुत ज्यादा अच्छा इसका फैब्रिक है। अगर आप देखोगे तो गौर से तो बहुत ज्यादा अच्छा इसका फैब्रिक लग रहा है। और है ना क्वालिटी बहुत ज्यादा A1 क्वालिटी है इसकी, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी है। एंड स्लीव्स भी इसकी थोड़ी सी शॉर्ट बोल सकते हैं अपन, कि इसकी स्लीव्स थोड़ी शॉर्ट है, बट इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। इसके अंदर कोई भी आप ना व्हाइट कलर का हाईनेक वेयर करोगे ना, उसके बाद ये वेयर करोगे, बहुत सुंदर इसका लुक आएगा, बहुत प्रिटी इसका लुक आएगा। आप देखो इसका कुछ लुक कितना, मतलब ये ना इतना फैब्रिक इतना ज्यादा सॉफ्ट आया ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट इसका फैब्रिक आया है। तो फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा ऑसम है, तो ये एक बार ट्राई जरूर करना है। इसके साथ में जो इसका अपर सॉरी इसके साथ जो इसका पजामा है वो भी दिखाती हूँ। बट इसमें ना ये एक ना ये कुछ लाइक ऐसी है ना पोटली टाइप में आई है, ये ना बहुत ज्यादा क्यूट है। इसकी ना ये पोटली टाइप में आई है, बहुत क्यूट पोटली सी है ये, ठीक है। और शायद से ना ये ऐसे हाथ में रखते हैं ना, वो वाली पोटली है। बहुत ज्यादा प्यारा पीस आया है ये, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। फैब्रिक की क्वालिटी देख सकते हो आप कितना ज्यादा सॉफ्ट है, देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और इसका जो है ना पजामा है ना, उसका शेड ऐसा ही है ब्लू। तो मैं पजामा दिखाती हूँ, पजामा की क्वालिटी भी बहुत, मतलब मैं बोल रही हूँ 668 समथिंग में कुछ था ये, मतलब लगा लो 700 में आपको ये चीजें मिल रही है, तो प्लीज परचेज कर लो। मैं बोल रही हूँ आपको रिग्रेट नहीं होगा किसी भी चीज का। तो ये भी इसका पजामा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा क्यूट वाइब दे रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब ब्लू शेड में है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको पैटर्न मिल जाएंगे, इसमें अलग अलग डिफरेंट पैटर्न मिल जाएंगे। बट ये वाला एक बार ट्राई करके देखना, आपको जरूर पसंद आने वाला है। जो लास्टिक है इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, पूरा ना लॉन्ग में आने वाला है देखो। और है ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइट मटेरियल है, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब आपको बहुत वार्म रखने वाला है ये, तो ये चीज अच्छी है। और है ना मैं बोल रही हूँ एक बार इसको ट्राई करके देखो, आपको पसंद आने वाला है, बहुत ज्यादा ऑसम क्वालिटी, बहुत ज्यादा। प्लीज इसको एक बार ट्राई करना, मैं बोल रही हूँ आप प्लीज एक बार इसको ट्राई करना। मैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला, तो आपको भी पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। और कुछ भी गलत नहीं बता रही हूँ मैं इसके बारे में, कि आपको मैं बता कुछ रही हूँ और आएगा कुछ, तो जो है जो मुझे रिसीव हुआ है मैं वही बता रही हूँ आपको। सो बात करते हैं लास्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट परचेज किया है, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी लेट्स सी। ओ वाओ नाइस, ओ ये जो आया है ना, ये वाले एयर्स वाला आया है हुडी, ठीक है, पिंक शेड में है ये। और इसका जो पैटर्न है वो भी बहुत प्यारा सा है, और यहाँ पर ना रैबिट वाला इसका कुछ लुक बना हुआ है, और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। और इसका ना अंदर से भी फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक ये ब्लैक एंड व्हाइट से तो ना ये वाला बहुत ज्यादा वार्म है, और कैप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और लुकिंग वाइज ये बहुत प्रिटी है। बहुत सारे कलर शेड आपको इसमें मिल जाएंगे, पिंक ब्लू ग्रीन जो भी आप चाहो ना, प्रॉपर स्लीव आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग में मिल जाएंगी, और कैप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, थोड़ी सी क्रॉप में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉप में आएगी, बट इसका लुक बहुत ज्यादा प्रिटी आएगा। एक चीज मुझे इसकी नहीं पसंद लगी ना, वो ये थी कि इसमें जो ये वाला एक कार्टून से बनाया हुआ है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला कार्टून। और इसके ना जो ये वाले होडी वाले जो थ्रेड्स हैं, ये भी सेम इसी के कलर के हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मैं इसको 10 out of 10 दूंगी, मतलब इन तीनों प्रोडक्ट को मैं 10 out of 10 दूंगी, और जो व्हाइट एंड ब्लैक वाला था ना वो उसको मैं थोड़ा सा कम ही रेट करूँ, क्योंकि इसकी फैब्रिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसके अंदर अगर आपने एक छोटा सा हाईनेक पहन लिया व्हाइट कलर का,
तो भी ये बहुत ज्यादा वार्म रखने वाला है आपको, क्योंकि आप सिंगल इसको तो वेयर करोगे नहीं, तो कोई भी हाई नेक वेयर करोगे तो इसके साथ बहुत सुंदर लगेगा। बहुत पिंक शेड में है तो पिंक शेड में कर लो, व्हाइट शेड में है तो व्हाइट शेड में कर लो, या फिर नॉर्मल आपको राउंड नेक में कोई टी शर्ट मिलती है फुल स्लीव की तो आप वो भी वेयर कर सकते हो। बहुत वार्म रखने वाला है ये वाला स्वेटर भी, इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। फ्रंट में आपको यहाँ पर ना इधर छोटी छोटी सी पॉकेट्स, छोटू छोटू नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सी पॉकेट्स है, ठीक है, पॉकेट्स भी काफी अच्छी है। मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छा है इसका, अंदर से भी आप देख सकते हैं मटेरियल की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये वाली चीजें तो यार ये तीनों तो परचेज करके देखना, आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं था, 600 एंड समथिंग कुछ इसका प्राइस था, तो बहुत रीजनेबल था। सो मुझे पसंद आया, मैं तो इसको डेफिनेटली 10 out of 10 दूंगी, और परचेज तो लाइक मैंने तो रखा ही। सो बहुत ज्यादा अच्छा स्टफ है, और ब्लैक एंड व्हाइट वाला मैं बिल्कुल नहीं रखने वाली हूँ, मतलब उसको तो मैं रिटर्न ही करूंगी। बाकी ये तीनों प्रोडक्ट मैंने रखे हैं, सो मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और अगर आपको पसंद आता है तो मुझे जरूर बताना नेक्स्ट हॉल में किस पे बनाऊं, स्वेटर्स पे बनाऊं या फिर किसी और चीज पे बनाऊं, कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताना, मैं जरूर एक बार पढ़ के आपको जरूर उनके रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स स्टे ट्यून्ड।